मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आई कीप क्यू सैटेलाइट ने 10 मई को कुछ तस्वीरें जारी की थी, जिनमें से एक तस्वीर को मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन उस सैटेलाइट ने दो और तस्वीरें भेजी थी जिनको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखें। मैंने कहा था ये तस्वीर चांद के पिछले हिस्से यानी फार साइड की तस्वीर है। इस साइड को हम जमीन से नहीं देख पाते। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस तस्वीर में चांद पर जो छोटे छोटे निशान दिखाई दे रहे हैं ये क्रेटर हैं, जो एस्ट्रॉइड की टक्कर से बने हैं। असल में आज से अरबों साल पहले जमीन पर बहुत ज्यादा एस्ट्रॉइड की बारिश हुई थी और ये बारिश चांद पर भी हुई थी। चांद की सामने वाली साइड पर जब एस्ट्रॉइड की बारिश हुई तो सामने वाली साइड में क्रैक आ गया, जिससे इसके अंदर का लावा बाहर सतह पर आ गया और बाहर वाली सतह जल गई, जिसकी वजह से हमें चांद की सामने वाली साइड पर क्रेटर दिखाई नहीं देते। और चांद पर ये जो निशान आपको दिखाई दे रहा है इसे लूनर मारिया कहते हैं। असल में ये सारी सतह लावे की वजह से जली हुई है। इसके अलावा जब चांद की दूसरी साइड पर एस्ट्रॉइड की बारिश हुई थी तो साइंसदान के मुताबिक वो सतह सामने वाली सतह से ज्यादा मजबूत थी, जिसकी वजह से वहाँ क्रैक नहीं आया और वहाँ का लावा सतह के अंदर से बाहर नहीं निकला, जिसकी वजह से उस साइड पर बहुत ज्यादा क्रेटर बन गए। और इस तस्वीर में आपको ये निशान उसी क्रेटर्स के दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसका नाम एटकन बेसन क्रेटर है। ये ना सिर्फ चांद का बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्रेटर है। इसका साइज 2500 किलोमीटर है और ये क्रेटर भी इस तस्वीर में मौजूद है। चाइना का चैंगी फॉर्मेशन 2019 में इसी क्रेटर में लैंड हुआ था। ये ना सिर्फ सबसे बड़ा क्रेटर है बल्कि ये सबसे डीप क्रेटर भी है। इसको साइंसदान आज भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हो सकती हैं। साइंसदान का कहना है कि जो एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड चांद पर गिरे थे उनमें बहुत कीमती दहातें मौजूद थीं। हो सकता है कि इनमें किसी न किसी क्रेटर में वो कीमती दहातें मौजूद हों। ये क्रेटर आज से 4.2 बिलियन साल से लेकर 4.3 बिलियन साल पहले बना था। इसकी तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ऐसे ऐसे क्रेटर मौजूद हैं जिनमें सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखें तो आपको इन निशानों के साथ साथ बहुत सारे शेडोज भी दिखाई दे रहे हैं। असल में ये शेडोज इन क्रेटर्स के हैं। ये क्रेटर इतने ज्यादा डीप हैं कि अरबों साल पहले यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। असल में डार्क साइड पर सूरज की रोशनी ऊपर से नहीं पड़ती बल्कि सामने से पड़ती है, जिसकी वजह से इन क्रेटर के अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से साइंसदान का कहना है कि इन क्रेटर्स में पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद हो सकता है। क्योंकि जब अरबों साल पहले जमीन पर एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स की बारिश हुई थी तो इन कॉमेट्स में जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स थे। जब ये क्रिस्टल्स सतह पर गिरे तो सूरज की गर्मी की वजह से वो क्रिस्टल्स पिघल कर पानी बन गए और ये पानी जमीन पर फैल गया। और साइंसदान का कहना है कि ऐसे ही कॉमेट्स चांद पर भी गिरे थे। जब ये चांद की सामने वाली साइड पर गिरे तो वहाँ लावे से क्रेटर भर गए, और अगर कुछ क्रिस्टल सतह पर भी रह गए तो सूरज की रोशनी की वजह से वो पानी भाप बनकर उड़ गया, लेकिन चांद की डार्क साइड पर क्रेटर नहीं भर सके और अरबों सालों से वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से साइंसदान का कहना है कि आज भी उनमें जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स मौजूद हैं, यानी वहाँ पर पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद है। इसी पानी को फाइंड करने के लिए इंडिया ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा, और इसकी स्टडी से ऐसे सबूत मिले जो चांद पर पानी की मौजूदगी की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन वो डायरेक्ट पानी को फाइंड नहीं कर सका। 2019 में भी चाइना ने चैंगी 4 को वहाँ भेजा, लेकिन वो भी पानी को फाइंड ना कर सका। और अब एक बार फिर से चैंगी 6 मिशन को चांद पर लैंड करवाया जाएगा और वो वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स को जमीन पर भेजेगा, जिनकी स्टडी से पता चल सकता है कि वहाँ कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। इसके अलावा ये आईक्यूब क्यूब की दूसरी तस्वीर है, जिसमें आप आधे चांद को देख सकते हैं, लेकिन इस तस्वीर में आपको क्रेटर्स दिखाई नहीं दे रहे और ये सूरज की तस्वीर है। और इसके अलावा इस तस्वीर को भी देखें, इसमें चांद दिखाई नहीं दे रहा, इसमें सिर्फ और सिर्फ सूरज दिखाई दे रहा है। ये व्हाइट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे सैटेलाइट में इतने अच्छे कैमरे नहीं लगे। ये तीनों तस्वीरें थी
जिनमें से एक को मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें रह गई थी जिसको आज मैंने एक्सप्लेन किया और साथ ही बाकी दो तस्वीरों की भी बात की। अब बात करते हैं चैंगइन 6 मिशन की। ये मिशन इस वक्त चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है और ये हर ऑर्बिट में चांद के करीब होता जा रहा है और आने वाले 2 से 3 दिनों में ये चांद पर अपने लैंडर को लैंड करवाएगा। लैंडिंग से पहले लैंडर उस जगह को फाइंड करेगा, यहाँ पर इसको लैंड करवाया जाएगा। जब यह अपनी जगह को फाइंड कर लेगा तब इसके रॉकेट्स को ऑन किया जाएगा ताकि इसकी स्पीड मजीद कम हो जाए। यहाँ पर लैंडिंग के डिस्टेंस को देखते हुए स्पीड कम करनी पड़ती है। अगर स्पीड जरूरत के मुताबिक कम ना हुई तो लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाएगा, वो सीधा चांद की सतह पर जाकर टकरा जाएगा। इसलिए जरूरत के मुताबिक इसकी स्पीड को कम करना होगा। जब ये अपनी लैंडिंग साइट से कुछ ही फीट दूर होगा तो इसका रास्ता जमीन से टूटने के चांसेस हैं, क्योंकि ये लैंडर चांद की दूसरी साइड पर लैंड होगा। इस साइड पर सिग्नल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लैंडिंग से कुछ देर पहले लैंडिंग या जमीन से रास्ता टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जब इसका रास्ता जमीन से टूट जाएगा तो इसमें AI टेक्नोलॉजी लैंडर को लैंड करवाएगी और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा मिशन फेल हो सकता है। लैंडिंग के बाद लैंडर एक सिग्नल को जमीन पर भेजेगा जिसे पता चल जाएगा कि लैंडर ने बिल्कुल सही से लैंडिंग की है। अगर लैंडर ने सिग्नल ना भेजा तो ये मिशन फेल हो सकता है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसके अंदर से रोवर को निकाला जाएगा। कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक सीक्रेट रोवर भी मौजूद है। ये हमें तभी पता चलेगा जब ये लैंडर चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा। फिर रोवर को चलाकर देखा जाएगा कि कहीं इसमें कोई चीज डैमेज तो नहीं हुई। सारी चीजें टेस्ट करने के बाद इसके कैमरे को भी टेस्ट किया जाएगा और इसमें एक ड्रिलिंग मशीन लगी हुई है, उसे भी टेस्ट किया जाएगा। फिर इसे वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करके रोवर लैंडर तक लेकर आएगा। लैंडर से इन सैंपल्स को स्पेस में मौजूद ऑर्बिट तक पहुँचाया जाएगा और फिर ऑर्बिटर उन सैंपल्स को जमीन तक लेकर आएगा और फिर वो सैंपल्स साइंसदानों की सिलेक्ट की गई लोकेशन पर लैंड होंगे और वहाँ से चाइना के साइंसदान उन सैंपल्स को लैब के अंदर लेकर आएंगे और फिर उनको स्टडी करके चांद की दूसरी साइड के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। अगर चाइना इन सैंपल्स को जमीन पर ले आया तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। अब पूरी दुनिया की नजरें चाइना के मिशन पर लगी हुई हैं। जिस वक्त वो लैंड होगा हम उसकी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।